गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के इंग्लिश का लेसन 4, जिसका नाम है ए गोल्डन बाउल, यानी सोने का कटोरा। यह नीचे लिखा है कि फ्रॉम जातक टेल्स, यानी कि यह जातक की कथाओं से लिया गया है। जातक कथाएं वो कथाएं हैं जो गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की कथाएं हैं। तो यह इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है, तो इसको डिटेल से देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय इन द किंगडम ऑफ शेरी, शेरी राज्य में, द बोधिसत्व हु बाट, जो खरीदते थे, एंड सोल्ड मतलब बेचते थे, पार्ट्स मतलब बर्तन, एंड पैंस मतलब कढ़ाइयां, वाज कॉल्ड शेरीवन, उनको शेरीवन कहा जाता था, इन द कंपनी ऑफ अनादर सेलर ऑफ पार्ट्स एंड पेंस, करा कि उन बर्तनों और कढ़ाइयों के दूसरे व्यापारी के साथ एक ग्रीडी फेलो, एक लालची व्यक्ति, ही क्रॉस द रिवर तेलीवस्त्रा एंड इंटर द सिटी ऑफ अंधपुर। उस व्यक्ति के साथ एक लालची व्यक्ति भी तेलीवस्त्रा नदी को पार किया और अंधपुर शहर में प्रवेश किया। Dividing the streets between the two of them, यानी कि नगर की गलियों को आपस में बांट करके, they set about selling their parts and pens, each in the street of his own district, करा कि वह अपने अपने क्षेत्र में बर्तन और कढ़ाइयों को बेचने का कार्य आरंभ कर दिया। डिस्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पे क्षेत्र से है। Now in the city there lived a poor family which had once been rich. करा कि अब now in the city, उस शहर में, there lived a poor family, एक गरीब परिवार रहता था, which had once been rich, जो किसी समय धनी हुआ करता था। There were only two people in the family, उस परिवार में केवल दो लोग थे, now a young girl and her grandmother, एक युवा लड़की थी और दूसरी थी उसकी दादी। Who worked for their living, जो अपनी जीविका के लिए कार्य करती थी, laying among old parts and pens, in their house was a golden bowl, उनके घर में पुराने बर्तनों और कढ़ाइयों के बीच एक गोल्डन बाउल, एक सोने का कटोरा था, विच हैविंग बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज, जो बहुत दिनों से प्रयोग में नहीं आया था, लुक्ड सो डर्टी, यानी कि जो बहुत दिन से प्रयोग में नहीं आने की वजह से बहुत गंदा दिखता था, दैट द टू ओमेन डिड नॉट नो दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, वह इतना गंदा दिखता था कि दोनों स्त्रियों को ज्ञात नहीं था कि वह सोने का है। द ग्रीडी सेलर वेंट पास्ट देयर डोर क्राइंग, लालची व्यापारी उनके दरवाजे से आवाज लगाते हुए निकला, एक्सचेंज योर ओल्ड पार्ट्स फॉर न्यू, यानी कि अपने पुराने बर्तनों के बदले में नए बर्तन ले लो। व्हेन द यंग गर्ल हियर्ड हिज क्राई, जब युवा लड़की ने उसकी आवाज सुनी, सी सेड टू हर ग्रैंडमदर, तब उसने अपनी दादी से कहा, डू लेट्स बाई अ न्यू प्लेट ग्रैंडमदर, देयर इज मैन हु इज सेलिंग पार्ट्स, उसने कहा कि दादी जी हमें एक नई तस्तरी खरीद लेनी चाहिए, एक व्यक्ति बर्तन बेच रहा है। वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, व्हाट हैव वी टू ऑफर इन एक्सचेंज, द ओल्ड वुमन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा कि बच्ची हम लोग बहुत निर्धन है और तस्तरी के बदले में हम उसे क्या दे सकते हैं। एक्सचेंज मतलब अदला बदली करना, कि तस्तरी के बदले में हम उसे क्या दे सकते हैं। वाई देयर इज दिस डर्टी बाउल विच वी नेवर यूज, क्यों यह गंदा कटोरा है जिसे हम लोग कभी प्रयोग नहीं करते हैं। लेट्स एक्सचेंज द बाउल फॉर अ प्लेट, यानी कि एक तस्तरी के बदले में हम इस कटोरे को दे देते हैं। Both the old woman and the girl were keen to get rid of the bowl, मतलब दोनों औरतें
यानी कि वह औरत, उसकी दादी और वह लड़की, कीन का मतलब उत्सुक होना, टू गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, उस कटोरे से छुटकारा पाने की उत्सुक थी। इसलिए उस बूढ़ी औरत ने उस व्यापारी को घर के अंदर बुलाया और उसे कटोरा देते हुए कहा, टेक दिस बाउल, इस कटोरे को ले लो यंग मैन, नौजवान व्यक्ति, एंड कीप माई ग्रैंड डॉटर ए प्लेट इन एक्सचेंज, और इसके बदले में मेरी नातिन को एक तस्तरी दे दो। द सेलर टुक द बाउल इन हिज हैंड्स एंड सस्पेक्टिंग इट वॉज गोल्ड स्क्रेच्ड अ लाइन ऑन द बॉटम विथ अ नीडल। विक्रेता ने उस कटोरे को अपने हाथ में ले लिया और यह संदेह करते हुए कि यह कटोरा सोने का बना हुआ है, उसके पेंदी में एक लाइन, एक रेखा स्क्रेच मतलब खींचा विथ अ नीडल, एक सुई से। ही न्यू हिज सस्पिशन वॉज राइट, वह जान गया कि उसका संदेह सही था। द बाउल वॉज प्योर गोल्ड, वह कटोरा शुद्ध सोने का बना हुआ था। थिंकिंग दैट ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग, यह सोचते हुए कि वह कटोरे के बदले में कुछ भी नहीं देगा, ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब बहाना किया, वह बहाना किया दैट इट वॉज यूजलेस, यह बेकार है, एंड स्कॉर्नफुली और तिरस्कार पूर्वक थ्रू, फेंक दिया इट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। रोज फ्रॉम हिज सीट, अपनी जगह से रोज मतलब उठा, एंड वेंट आउट द हाउस, और घर से बाहर चला गया। द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड एट द सेलर्स रूडनेस, वह युवा लड़की उस व्यापारी के अभद्रता पे बहुत ज्यादा दुखी थी। एंड द ओल्ड ओमेन कुड नॉट अंडरस्टैंड, और वह बूढ़ी औरत नहीं समझ सकी वाई ही हैड बिकम सो एनायर्ड, वह इतना गुस्सा में क्यों हो गया या वह इतना नाराज क्यों हो गया, एनायर्ड मतलब नाराज होना, आर वाई ही हैड बिहेव इन सच एन इंसल्टिंग मैनर, या फिर वह इतने अपमानजनक मैनर मतलब तरीके से व्यवहार क्यों किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड, जैसा कि पहले से तय हो चुका था बिटवीन द टू सेलर्स, दोनों व्यापारियों के बीच, ईच ऑफ देम वेंट टू सेल हिज पार्ट्स एंड पेंस इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अदर हैड बीन ऑन द डे बिफोर। करा कि उनमें से ये तय हुआ था कि उनमें से प्रत्येक अपने बर्तन और कढ़ाइयों को लेकर के उन क्षेत्र में जाएगा जिसमें कि दूसरा विक्रेता उसके पहले गया हुआ था। सेरिवन केम टू द सेम स्ट्रीट एंड पास द सेम हाउस क्राइंग, सेरिवन उसी गली में और उसी घर के सामने से चिल्लाते हुए गुजरा, एक्सचेंज योर ओल्ड पार्ट्स फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तनों के स्थान पर नए बर्तन बदल द यंग गर्ल अर्ग्ड, एक बार पुनः उस लड़की ने अर्ग्ड मतलब निवेदन किया हिज ग्रैंड मतलब अपनी दादी माँ से, टू गेट हर अ न्यू प्लेट, एक नई तस्तरी लेने के लिए। द ओल्ड ओमेन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, डियर चाइल्ड, प्रिय बच्ची, डोंट यू रिमेम्बर हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वॉज, क्या तुम्हें याद नहीं है कि यह कितना निराशाजनक था, डिसअपॉइंटिंग निराशाजनक था, इट वॉज टू हैव द सेलर हियर स्टडे, यानी कि उस विक्रेता को कल बुला करके कितना हम लोग अपमान सहे, क्या तुम उसको भूल चुकी हो। डोंट यू रिमेम्बर हाउ ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड इज डिस्कस्ड, क्या तुम भूल गई हो या फिर क्या तुम्हें याद नहीं है कि वह किस प्रकार से कटोरे को फेंक दिया ऑन द ग्राउंड मतलब जमीन पर इन डिस्कस्ट घृणा पूर्वक। वी विल ओनली रिग्रेट कॉलिंग दिस न्यू सेलर, उसकी दादी ने कहा कि हम लोग केवल रिग्रेट मतलब पश्चाताप करेंगे कॉलिंग दिस न्यू सेलर, इस नए विक्रेता को बुला करके। That seller was rude, वह जो विक्रेता था वो असभ्य था। But this one looks gentle,
किंतु यह सज्जन दिखाई पड़ता है, इट इज लाइकली दैट ही विल टेक द बाउल, ऐसा लगता है कि वह कटोरे को ले लेगा। द गर्ल सेड, उस लड़की ने कहा। सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, अपनी नातिन के ईगरनेस मतलब उत्सुकता को देख करके द ओल्ड वुमन कॉल्ड शेरवन इन, बूढ़ी औरत ने शेरवन को अंदर बुलाया। सो ही केम इन टू द हाउस, इसलिए वह घर के अंदर आया। एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड्स, और उन लोगों ने कटोरे को उसके हाथों में दे दिया। He was surprised to see that it was made of gold. उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह सोने का कटोरा है। Do you really want to exchange this old mother? He asked with hesitation. Hesitation, वह हिचकिचाते हुए संकोच में पूछा कि बूढ़ी माता, क्या आप वास्तव में इसको बदलना चाहती हैं? Encouraged by this, the young girl asked. इससे इनकरेज मतलब उत्साहित होकर के उस युवा लड़की ने कहा कि will you exchange it for a plate? क्या तुम इसके बदले में एक प्लेट दे दोगे? ओल्ड मदर, योर बाउल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड इज वर्थ ए लॉट ऑफ मनी, बूढ़ी माता तुम्हारा कटोरा शुद्ध सोने का है और इसका मूल्य बहुत सा धन है। आई हैव नॉट सो मच मनी ऑन मी, मेरे पास इतना धन भी नहीं है। बोथ द वुमेन वर एस्टोनिस्ड टू हियर दिस, यह सुनकर दोनों स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। माय सन ए सेलर हु केम स्टरडे सेड द बाउल वाज वर्थलेस एंड थ्रीव इट ऑन द ग्राउंड, उसने कहा कि मेरे बेटे, एक व्यापारी जो कल यहाँ आया था उसने कहा कि यह कटोरा बेकार है और इसको जमीन पर फेंक दिया। इट मस्ट बी योर टच विच हैज टर्न इट इंटू गोल्ड, कहते कि निश्चय ही तुम्हारे स्पर्श ने इसको सोना बना दिया है। टेक इट, इसे तुम ले लो। गिव अस एनीथिंग यू प्लीज इन एक्सचेंज एंड गो योर वे, यानी कि तुम इसे ले लो और इसके बदले में तुम हमें जो कुछ भी देना चाहते हो दे दो, और एंड गो योर वे, और अपने रास्ते चले जाओ। ही गेव देम ऑल द पार्ट्स ही हैड एंड 500 सिल्वर कॉइन्स विच ही हैड विथ हिम एट द टाइम। ही गेव देम ऑल द पार्ट्स, उसने अपने सारे बर्तन उन्हें दे दिए। एंड 500 सिल्वर कॉइन्स, और 500 चांदी के सिक्के विच ही हैड विथ हिम, जो वह अपने पास रखा था। एट द टाइम, उस समय। ही केप्ट ओनली हिज स्केल्स, स्केल्स मतलब तराजू, उसने केवल अपने तराजू, हिज बैग अपना बैग, एंड 8 सिल्वर कॉइन्स टू पे द बोटमैन टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर, यानी कि वह नदी पार कराने वालों को देने के लिए 8 चांदी के सिक्के, अपना बैग रख लिया और तराजू रख लिया। टेकिंग द बाउल विथ हिम ही वेंट टू द रिवर साइड, अपने साथ कटोरे को लेकर वह नदी की तरफ चल दिया। रिवर साइड, नदी की तरफ। गॉट इन टू द बोट, नाव में बैठ गया। एंड गेव द 8 क्वाइंस टू द बोटमैन टू रो हिम अक्रॉस, यानी कि नाव नदी पार कराने के लिए वह नाव वाले को 8 चांदी के सिक्के दे दिए। नो सूनर हैड ही लेफ्ट द टू वोमेन देन द ग्रीडी सेलर केम टू देम अगेन, जो ही वह उन दोनों स्त्रियों के पास से रवाना हुआ वह लालची विक्रेता उनके पास दोबारा आ गया। एंड सेड इम्पेशेंटली, और अधीरता पूर्वक कहा, ब्रिंग आउट द बाउल, कटोरे को ले आओ। आई विल गिव यू समथिंग आर अदर फॉर इट,
मैं तुम लोगों को इसके बदले में समथिंग आर अदर, मतलब कुछ न कुछ दे दूंगा। मूव्ड टू एंगर एट हिज प्रिटेंस, उसके बहाने पर, प्रिटेंस मतलब बहाना, उसके बहाने पर क्रोधित होकर द ओल्ड ओमैन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, यू सेड द बाउल वाज वर्थ नथिंग, तुमने कहा था कि कटोरा बेकार है। टूडे वी हैड एन ऑनेस्ट सेलर हियर हु डिक्लेयर द बाउल वाज मेड ऑफ गोल्ड, आज यहाँ एक ईमानदार विक्रेता आया था, आज यहाँ एक ईमानदार विक्रेता आया था जिसने कहा कि वह कटोरा सोने का बना हुआ है, एंड गेव अस 500 सिल्वर कॉइन्स, और हमें 500 चांदी के सिक्के दिए, एंड ऑल हिज पार्ट्स फॉर इट, और अपने सारे बर्तन दिए इसके बदले में। रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रीडी सेलर क्राइड, अपनी हानि पर दुख प्रकट करते हुए या पश्चाताप प्रकट करते हुए वो लालची विक्रेता चिल्लाया, ही हैज चीटेड मी ऑफ द प्रॉफिट आई वुड हैव मेड, उसने मुझे धोखा देकर उस लाभ से वंचित कर दिया जो मुझे कटोरे से मिला होता। आई हैव लॉस्ट द बाउल, मैंने कटोरा खो दिया। ही वॉज सो फुल ऑफ सारो, वह इतना दुख से भरा हुआ था, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा से, वह निराशा और दुख से इतना भरा हुआ था, एंड सो मैडेंड, और वह इतना पागल हो गया, दैट ही लॉस्ट कमांड ओवर हिमसेल्फ, कि वह अपना नियंत्रण खो बैठा। कमांड मतलब पकड़ या नियंत्रण। ही बीट हिज चेस्ट, वह अपना सीना पीटा। थ्रू ऑल हिज मनी, अपना सारा धन फेंक दिया। एंड गुड्स मतलब वस्तुएं। टोर हिज क्लॉथेस, अपने कपड़े, टोर मतलब फाड़ डाले, फ्रॉम हिज बॉडी अपने शरीर से, एंड शाउटेड, और चिल्लाया, आई विल हैव माई रिवेंज, मैं अपना बदला लूंगा, ऑन द हेटफुल मैन, उस घृणित व्यक्ति से मैं अपना बदला लूंगा। वाई डिड ही इंटरफेयर विथ माई प्लान्स, उसने मेरी योजनाओं में क्यों इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप किया। द टू ओमेन वर शॉक्ड टू सी हिज मैडनेस, उसके पागलपन को देख करके दोनों स्त्रियों को बहुत धक्का लगा। बट कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम, किंतु उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकी। ही रश्ड आफ्टर सेरिवन, वह सेरिवन के पीछे, रश्ड मतलब तेजी से भागा, टू द रिवर साइड, नदी की तरफ। फाइंडिंग हिम ऑलरेडी क्रॉसिंग द रिवर, सेरिवन को पहले ही नदी पार करता हुआ देखकर ही शाउटेड, जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि सेरिवन पहले ही नदी पार कर रहा था। ही शाउटेड डिस्पेरेटली, वह डिस्पेरेटली असहाय होकर के चिल्लाया, फॉर द बोटमैन, नाविक को, टू टर्न बैक मतलब वापस आने के लिए। सेरिवन टोल्ड द बोटमैन नॉट टू डू सो, सेरिवन ने उस नाविक को कहा कि वह ऐसा न करे। वॉचिंग द बोट हेल्पलेसली, असहाय होकर के उस नाव को देखता रहा। हिज हार्ट फुल ऑफ जिलसी एंड हेटर्ड, उसका हृदय ईर्ष्या, जिलसी मतलब ईर्ष्या एंड हेटर्ड मतलब घृणा से भर गया। द सेलर शाउटेड इंसल्ट्स एट द फियरलेस सेरिवन, उस निर्भीक सेरिवन को इंसल्ट्स मतलब गालियां देना शुरू कर दिया। हु वाज द बोधिसत्व, जो बोधिसत्व था। हिज थ्रेट्स वर ऑफ नो यूज, उसकी धमकियां, थ्रेट्स मतलब धमकियां, उसकी धमकियां बेकार थी। एंड विथ ऑल द एक्साइटमेंट, और अपनी पूरी उत्तेजना के कारण, हिज हार्ट बस्ट, उसका हृदय फट गया। एंड ही ड्रॉप्ड डाउन डीट, और वह गिरकर मर गया।